हरी बोल हरी नहीं बाद में बैठ कथा सुन बाद में हरे कृष्ण हरि बोल ओम ज्ञान तिमिरामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिव्यवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी दत्तय प्रियाय कश्यपस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदश सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रोज सिद्धार्थ गोस्वामी तुम दोनों आगे आ जाओ। सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री संन्यास ठाकुर जी, जब उन्होंने वैष्णव का वेश को उन्होंने धारण किया और वैष्णव का चरण धूलि में उन्होंने लोट पोट उठाए, लोट पोट खा करके बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया, क्योंकि शास्त्र में बताया जो तीन चीज है वो सबसे जल्दी से जल्दी भगवत प्रेम को देने वाले हैं। वो तीन चीज क्या है कहते, एक भक्तपद धूलि, भक्तपद जल और भक्त भुक्त अवशेष, मतलब भक्तों का अधरामृत। कहते ये तीन चीज जगत में सबसे जल्द से जल्दी भगवत प्रेम को तीन चीज प्रदान करने वाले। इसलिए उन्होंने वैष्णव का जहाँ तुलसी परिक्रमा कर रहे थे वहीं उनके चरण धूल के ऊपर में ये बाबा जी ये संन्यास ठाकुर लोट पोट हो गए और संपूर्ण वैष्णव का चरण धूल से अपना शरीर को अभिषेक तो उन्होंने कर दिया, बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए इससे केवल भवरोग ही दूर होता है ऐसे बात नहीं, अपितु जिनका भव रोग दूर हो गया है ऐसे पुरुषों को इनसे परम भोग की लाभ होता है। कि तो वैष्णव का चरण धूल से भव रोग दूर हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई बीमारी हुआ, मानो बीमारी तो सही हो गया लेकिन शरीर तो सही होनी चाहिए ना, शरीर को पुष्ट के लिए कुछ उसको भोजन चाहिए। इसलिए कहते केवल भव रोग दूर हो गया ये बड़ी भारी बात नहीं, लेकिन ये भगवत चरण धूल से क्या होता है, भगवत भक्ति और भगवत प्रेम भी जीव को प्राप्त होता है। कहते परम भोग की लाभ होता है,
इसलिए हे वैष्णव गण ऐसे ना समझे कि मैं अपने पंडित का अहंकार प्रकाश कर रहा हूँ। तो कह रहे मैं ये मत समझो, मैं अपना पांडित्य को प्रकाश कर रहा हूँ ऐसे मत समझा करो, हैं कि तो मेरा हृदय आज कल सब अहंकार से शून्य हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, सभी शास्त्र का अध्ययन किया था और चतुर्थाश्रम में प्रवेश भी किया था। उस समय मेरे अहंकार की सीमा नहीं थी, किंतु जब से मैं वैष्णव तत्व की ओर आकृष्ट हुआ तब से मेरे हृदय एक दीनता के बीज रोपण हो गया। कहते मैं केवल ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ ऐसे बात नहीं, कहते ये मेरी अनुभूति का बात है, मेरी ये अनुभूति है। बोले क्या अनुभूति है? कहते मैंने वैष्णव का चरणों का आश्रय करते हुए कहते मैं अपना स्वयं अनुभूति क्या कर रहा हूँ, कहते सब पांडित्य का मेरे जो अहंकार था वो पहले बड़े विद्वान थे, बड़ा पंडित थे, बोले सारे अहंकार मेरे खत्म हो गया है। अभी क्या हुआ, ब्राह्मण कुल में मेरा जो जन्म हुआ था हैं, फिर मैंने समस्त शास्त्रों को अध्ययन किया था, फिर थे चतुर्थाश्रम मतलब कौन आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण चार आश्रम किया है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। कहते पहले मैं सन्यासी आश्रम में पहुंचा था, अरे कुटीचक बहुतक हंस परमहंस ये सारे पद को मैंने प्राप्त की थी। कभी जितने समस्त ये पद है ना, ये भक्ति जगत में, ये भक्ति जगत का कोई काम करने वाला नहीं है, हैं? भक्ति जगत में तो एक ही चीज काम करता है, भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम है। ठीक छोड़ दो, इसलिए भगवत भक्ति और भगवत प्रेम एक ही चीज भक्ति जगत में काम करता है, और ये कोई मान अभिमान कुछ भी ये भक्ति जगत में काम नहीं करता है। इसलिए मेरे अंदर से ये जितने सारे प्रतिष्ठा की आशा, ये प्रतिष्ठा की भावना, ये सब के सब अपने आप मेरे हृदय से ये खत्म हो गया है। और उस समय मेरे अहंकार की सीमा नहीं थी, पहले तो हम बड़े अपने आप का अहंकार भी मानते थे, किंतु जब से मैं वैष्णव तत्व की ओर आकृष्ट हुआ, लेकिन जब मैंने वैष्णव तत्व के प्रति आकृष्ट हुआ उसमें क्या हुआ, सब तब से मेरे हृदय में एक दीनता की बीज बो गया, मेरे हृदय में दीनता की बीज रोपित हो गया वैष्णव जगत में आकर के। लेकिन पहले क्या था, मैं अमुक हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ। लेकिन वैष्णव जगत में आने पर महापुरुष कहते ना, त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदा है। कि जब हम भगवत भक्ति जगत में आते हैं, महाप्रभु बताए अगर भक्ति करना तो तुम्हारे हृदय में ये चार गुण को लाना पड़ेगा, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए वैष्णव जगत में आकर के मेरे जितने सारे अहंकार, सारे अहंकार हमारी चकनाचूर हो गई और हृदय में एक नई भाव का हृदय में प्रकट हुआ। कहते ये केवल मैं अपना पांडित्य प्रकाश नहीं कर रहा हूँ, मेरे हृदय में जो अनुभूति हुई है ये बात तो हम बता रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न है, अभी उन्होंने इस सब बात को क्यों बता रहे हैं, ये सब बात को उन्होंने अपना जीवन में क्यों बता रहे हैं, कारण क्या है? कहते कारण है, जब हम साधारण संसार का जगत में रहते हैं हमारे अंदर में बड़ा अहंकार रहता है, बड़ा गर्व रहता है, हैं? हमारे अंदर में बड़ी प्रतिष्ठा की भावना, इधर उधर की चीज हमारे हृदय में रहती है। लेकिन जब हम वैष्णव का संघ में आते हैं, भगवत भक्ति जगत में आते हैं, आने पर क्या हो जाता है, ये जितने अहंकार है ना, ये जितने अभिमान हैं, ये सबके सब अभिमान सबके सब खत्म हो जाते हैं। ये कोई अभिमान हृदय में कोई अभिमान नहीं रहती है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या थे उस समय में, नवाब का ये एक प्राइम मिनिस्टर थे और एक क्या कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, कितने बड़े पद में थे और कितने विद्वान, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि बृहत भागवतामृत ये सब ग्रंथों को उन्होंने रचना की, अद्भुत पांडित्य है, अद्भुत पांडित्य। लेकिन जब ये महाप्रभु के चरण में आए उन्होंने कैसा आए,
एकदम दांत का नीचे त्रिनिका को दबा करके अपना गल में गलवेनिया लगा करके महाप्रभु के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। बोले प्रभु हम नीच जात में जन्म हुए लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, नीच कर्म किया, यदि मुसलमान का अधीन में हमने कर्म किया, हम निकृष्ट हम निर्घृण्य हैं। लेकिन महाप्रभु क्या बोले, नहीं तुम निकृष्ट नहीं हो, हैं क्षण क्षण करो तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, हर क्षण क्षण में सारे तीर्थ में नहा रहे हो, समस्त यज्ञ कर रहे हो, समस्त दान कर रहे हो, समस्त तपस्या कर रहे हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारी जीवा में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, इसलिए जिसको जीवा में भगवान का नाम उच्चारण हो जाए समझो जगत का सबसे बड़े विद्वान वही है, जगत में सबसे बड़ा पंडित है वही। लेकिन जब भक्ति जगत में आते हैं ना, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, फिर अपना अंदर में अहंकार का भाव नहीं रहनी चाहिए। हमने पहले ये थे, इतने पढ़ाई लिखाई की, हमारा पोजीशन ये था, हम ये करते थे, अमू करते थे, सब नहीं। भक्ति जगत में जब आओ केवल एक ही चीज़ होनी, हम वैष्णवों का दासों का, दासों का हम दास हैं, केवल हमारी अंदर में केवल यही एक चीज़ रहनी चाहिए और कोई अहंकार हमारे हृदय में नहीं रहनी चाहिए। सारे अहंकार को हृदय से निकाल फेंक देनी चाहिए। इसलिए इन्होंने अपना अनुभूति की बात बता रहे हैं, मैं क्रमशः आप लोगों की कृपा से जन्म अहंकार विद्या मद की और आश्रम गौरव को दूर कर चुका हूँ। कि मैं धीरे 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 मैंने किया है, आप लोगों की कृपा से मेरे जितने अभिमान अहंकार था और विद्या की जो मद था और जो आश्रम का इतना सर्वश्रेष्ठ आश्रम में मैं प्रवेश किया है, सन्यासी आश्रम हूँ, हैं कभी ये जितने सब के सब मैंने दूर कर चुका हूँ, हैं दूर कर चुका हूँ। इसलिए मेरे गुरुजी कहते थे, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे सन्यासी ग्रहण करने से हमारे भी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम सन्यासी ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ आश्रम, लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे सन्यास लेने के बाद इसका मतलब यह है नहीं, अरे हम उच्च आसन पर हर्ष में बैठ रहेंगे, दुनिया आकर के मेरी पूजा करेगा, मेरी सेवा करेगा, अरे हम इतने बड़े सन्यास बने नहीं। गुरु जी कहते थे सन्यास मतलब सबसे ज़्यादा सेवा करो। इसलिए हमारी गुरु जी के मंदिर में देखना, जो मंदिर का पूजा है ना, सन्यास लोग सब मंदिर का पूजा कर रहे हैं। पूरी में देखोगे मुनि महाराज, देखोगे कलकत्ता में वहाँ पर विष्णु महाराज है, और नवद्वीप में पद्मनाभ महाराज जी है, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, सर सेवा कर रहे हैं, सब मंदिर की सेवा कर रहे हैं, रोसी बनाते हैं, ठाकुर की परिवेश में कराते सब हैं। ये सब के सब वैष्णव जगत में सन्यास मतलब है गुरुदेव सबका सेवा करो, सबकी सेवा करो, सब वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहते मैंने इस सारे अहंकार विद्या मद को सब दूर कर चुका हूँ, इस समय मुझे जान पड़ता है कि मैं एक निराश्रित क्षुद्र जीव। क्या उनका अंदर भावना आया, इतने बड़े पद से नीचे उतर करके कहते अभी मेरे को यह अनुभूति हो रहा है, मैं एक निराश्रय, मेरा कोई आश्रय नहीं, एक छोटा सा मैं केवल जीव हूँ, मैं छोटा सा केवल मैं जीव हूँ। इसी समय मुझे हैं कहते वैष्णव चरणाश्रय के बिना मेरी और कोई किसी प्रकार से गति नहीं, केवल वैष्णव का चरण आश्रय ही हमारी जीवन का गति है, और कोई गति हमारी नहीं है, हमारी गति नहीं। कहते ब्राह्मणत्व विद्या सन्यासी ये मेरा अधपतन कर रहे थे। कहते पहले मैं जो सोच रहा था ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है और इतने बड़ा लिखा पढ़ा, मैंने सारे विद्या को अध्ययन किया, सन्यासी ग्रहण किया, ये क्या हो रहा था, ये मेरे को अधपतन कर रहा था, ये मेरे को नीचे गिरा रहा था सबके सब हैं। कहते अहंकार सुरापान हैं, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत हैं। कहते प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, जो प्रतिष्ठा किया है बोले ये सुअर के विष्ठा के बराबर है, सुकरी प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। इसलिए कहते अभिमान सुरापान, शराब जैसे पीते हैं ना, अरे मैं बादशाह पीपा करके मैं बादशाह हूँ ऐसे, कहते ये जो अभिमान, कहते ये क्या है, ये शराब पीने पर लोग का अंदर में एकदम अभिमान आ जाते हैं, यह हैं उस कहते ये अभिमान नहीं करनी चाहिए।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं मेरा अधपतन हो रहा था, मैंने सरल भाव से आप लोगों के चरण में सब बात कह दिया, आप अपने दास का जो करना हो करे। इसलिए अपना हृदय की बात, वैष्णव को हृदय की बात बोल दिया, कहते आप जो कुछ करना मेरे को आप कर सकते हो, मैं अपना हृदय की बात बोल दिया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, इसका मतलब आप बताएं, जब वैष्णव का चरण में आओ, गुरु जी की शरण में आओ, कपटता नहीं रखनी चाहिए। हम ऊपर से एक हम दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज़ को सोच रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं अपने आप को ऐसे, लेकिन अंदर में और कोई चीज़ को सोच करके हम बैठा है, बोले नहीं, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। कहते निष्कपट, जो जितने निष्कपट है उसके अंदर में उतना ही वैष्णवता है, और जिसका हृदय में एक बाहर एक कपटता है, प्रभुपाद कहते ये कपट व्यक्तियों का कल्याण कभी नहीं होता, भगवान इनका कभी कल्याण नहीं करते। जो एक सोचता है और ऊपर से दिखाता है और एक चीज़ को दिखाता है, नहीं। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मानद हव, अंतर और बाहर बराबर हमारे अंदर में व्यवहार होनी चाहिए, हैं अमानी मानद हव, सबको यथा योग्य सम्मान देनी चाहिए और स्वयं अमानी बन करके रहनी चाहिए, तभी हम जीवन में भगवान की भक्ति को हम कर सकते हैं हृदय को। कहते वैष्णव दास के इन दीनतापूर्व वचन को सुनकर उनमें से अनेक कह उठे, हे भागवत प्रवर, आप जैसे वैष्णव की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं। इनका दीनता को सुन करके और दूसरे दूसरे जो वैष्णव लोग थे उन लोगों ने क्या बोले, क्योंकि भक्ति जगत में दीनता ही भूषण है, दीनता ही, लेकिन साधारण जगत में क्या भूषण, क्या अभिमान भूषण है, हम भक्त सा, हम ये है, लेकिन भक्ति जगत में ये भूषण नहीं। भक्ति जगत में जो जितने दीनहीन हो करके वैष्णव का चरण में रह सकता है, कहते भक्ति जगत में ये जगत में यही भूषण है। इसलिए बोले बहुत सारे लोग क्या बोलने लगे, बोले भागवत प्रवर क्या कह रहे हैं, कहते भागवत प्रवर मतलब भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ, कहते आप जैसे वैष्णव की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं। दूसरे दूसरे वैष्णव लोग क्या बोलने लग गए, बोले आपका अंदर में सचमुच से भक्ति की भावना आया है, इसलिए आपका चरण धूलि अगर हमें मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृपा पूर्वक हमें अपनी पद रज दे करके कृतार्थ करे। सब वैष्णव लोग बोले कृपा करके अपना चरण धूलि हमें प्रदान करो, करके हमारा जीवन को आप धन्य धन्य बनाओ। कहते आप परमहंस बाबा जी की कृपा पात्र है, कहते इनका गुरुदेव कौन है, श्री परमहंस बाबा जी महाराज इनकी इनके गुरुदेव है, हमें भी अपना संगी बनाकर पवित्र कीजिए। बोले आप हमें भी अपना संगी बना दो, क्योंकि वैष्णव संग से ही जीव का कल्याण है, इसलिए कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र काय लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, इसलिए हर शास्त्र क्या कहता है, भक्तों का संग करो, कहते ना जैसे संग वैसे रंग है, अगर भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति भावना आएगी, हैं, इसलिए भक्ति भावना आएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आप परमहंस बाबा हमें अपने संग बनाकर पवित्र कीजिए, आप जैसे भक्तों के संग से ही भक्ति पाई जाती है, इसलिए ऐसे भक्तों का संग से भक्ति मिलता है। तो उन्होंने एक श्लोक को उन्होंने कोटेड किया, जानते हो श्लोक, भक्तिस्तो भगवत भक्त संगेन परिजायते, भले सत्संग प्राप्त पुण्य सुकृत ही पूर्व संचित। कल ये श्लोकों को ना तुम लोग याद करके आना, ठीक है, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसका मतलब क्या है, कहते भगवत भक्तों के संग प्रभाव से भक्ति वृत्ति का उदय होता है। कहते हृदय में भक्ति कब होगा, लेकिन जब भक्तों का संग करो, जैसे अभी हम लोग गले में कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हरि नाम करते हैं, गुरु मंत्र जप करते हैं, ठाकुर को आरती कीर्तन करते हैं, कैसे क्यों हमारे हृदय में इस भावना जागे, कारण है चूँकि हम भक्तों का हमें संग मिला है, जब भक्तों की संग मिला
अभी जैसे संगत वैसे रंग भी बदलेगा। शराब के साथ में रहोगे तो शराब भी होगी, और जुआरी के साथ में रहोगे तो जुआ चलोगे, चोर के साथ में रहोगे तो क्या करोगे, क्या करेंगे, चोरी करेंगे। इसलिए जैसे संगत में रहेंगे ना, हमारी भावना भी वैसे ही हमारा भावना बढ़ेगी। इसलिए अगर हम भक्तों का संग में रहेंगे तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति की भावना, हृदय में भगवत भक्ति की भावना आएगी। इसलिए शास्त्र में कहता है, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश। इसलिए शास्त्र में इतना प्रमाण दिया। बोले अभी तक जिन जिनियों को अगर भगवत भक्ति में दिखता है, अगर उनका पूर्व जीवन को देखोगे तो जरूर कहीं भक्तों का संग उनको मिला है। जो भक्तों का संग से ही इनका जीवन परिवर्तन हुआ है। भक्तों के संग के बगैर जीवन कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भक्त संग साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र कहता है जरूर साधु संग करो, क्योंकि एक लव अगर साधु संग मिल जाए, एक लव कितने कितने समय को एक लव कहते हैं, कहते हैं एक सेकेंड, एक सेकेंड को 11 भाग कर लो, हैं कितना भाग कर लो, 11 भाग का जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं। कहते अगर जीवन में इतना समय अगर जीवन में साधु संग हो गया ना, बोले सर्वसिद्धि है। बोले सर्वसिद्धि मतलब बोले कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति हो जाता है अगर इतना समय अगर जीवन में साधु संग अगर जीवन में हो जाए। इसलिए साधु संग को साथ में हम किस चीज़ को, जगत में किसी चीज़ को हम तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जब विभीषण को साथ में मुलाकात हुई, विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिलय नहीं संता, जो रघुवीर मह अनुग्रह किनी तो मई तरस अटकने। लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम का कोई कृपा हो गई जिसकी वजह से हमें यहाँ हनुमान का दर्शन मिला है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति स्तु भगवत भक्त संग न परिजायते। भक्ति कैसे मिलेगी, कहते भक्तों का संग से ही भक्ति वृत्ति उदय होता है। जी कहते जी अपने पूर्व पूर्व जन्मों के संचित सुकृत्य के फल से ही विशुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करता है। लेकिन ये भक्तों का संग कैसे होता है, कहते भक्तों का संग मिलेगा कैसे, बोले तभी मिलेगा कहते पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति की प्रभाव से, वैसे नहीं मिल जाएगा। हम ये मत समझो ऐसे ही आ गए, नहीं, हमारे पूर्व पूर्व जन्म में जान और अनजान में कहीं हमें भक्तों का संग मिला है, कहीं कथा सुनी है, कहीं भगवान का प्रसाद, कहीं सत्संग पूर्व जन्म मिला है। और थोड़ी मोड़ी नहीं, बल्कि बहुत जब इकट्ठा हो जाता है, हैं, जब बहुत जब इकट्ठा हो जाता है, ये भगवत इच्छा से ही जीव को ये भक्तों का संग मिलता है। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। यदि ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 किसी भाग्यवान जीव को ही क्या होता है, गुरु और कृष्ण कृपा से, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण व्यवस्था करते हैं, ये जीव का संस्कार कैसे है, उसी संस्कार के अनुरूप उसको लेकर के साधु संघ में पहुंचा देते हैं। पहुंचा देने पर क्या होता है, धीरे धीरे भक्तों का संग से हमारी भावना बनती जाती है, भक्ति की भावना बनती है। लेकिन अगर मंदिर में आकर असत संग में पड़ गए, ऐसे संग से पड़ गए जिनकी भक्ति में रुचि नहीं हो, फिर गड़बड़ी है, फिर ये गड़बड़ी है, हैं? इसलिए आ करके हर समय हमें ध्यान देनी चाहिए, मंदिर में आकर के हमसे नीचे व्यक्ति का संग नहीं करनी चाहिए, हमसे उच्च व्यक्ति का संग करनी चाहिए, हैं? ये चीज़ को ध्यान देनी चाहिए। अगर जिसका मन ही कभी खराब है, भक्ति में जिनका रुचि नहीं है, भक्ति में जिनका रुचि नहीं, खुद ही भ्रमित है, खुद को भक्ति में रुचि, अगर उसका संग कर लिया ना, बस हो गया तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर तुम जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हो ना, जैसे ये बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना कष्ट है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन बनाने के लिए कितना दिन लगा, बहुत दिन लगते हैं। इसलिए भक्ति की जो मंजिल है बनाना कठिन है,
लेकिन जैसे अजामिल ने असत संग थोड़ी सी देख लिया, असत संग से थोड़ी सी बढ़ गया ना, देखा कि बेस्या शूद्र शूद्रानी मिल रहे हैं शराब पी करके, बस उतना ही देख लिया तो बस मन खराब हो गया, अपना बीवी को छोड़ा और बेस्या को साथ में रहने लग गया। अगर कहीं हमें असत संग मिल गया है, असत संग मिल गया मतलब भक्ति जगत में भी कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी स्वयं को भक्ति में भी रुचि नहीं, और जो भक्ति करने के लिए आते हैं ना उनका मन भी तोड़ने के लिए लोग भी है मंदिर में, उनका भी मन को तोड़ने वाले लोग भी है मंदिर में बैठे, इसलिए देखने के लिए साधु लगता है, लेकिन हृदय में गुरु वैष्णव के प्रति निष्ठा नहीं, भावना नहीं, क्या कहते अरे सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं होता है, अपना काम धाम करो और अपना घर गृहस्थी करो करके मस्त रहो, भक्ति में कुछ रखा नहीं हुआ तो बेकार है सब हैं। बस अगर इतना सुन लिया ना, बोले बात तो सही बता रहे, लेकिन जो वैष्णव का संग किया इतना दिन तक ना, वो चीज़ उसको फिर मदद नहीं करता है, मदद क्या करता है, वो जो असत संग से पड़ गया, पड़ करके थोड़ी सी उसका जो कमजोरी दिखा दिया ना, वही चीज़ को पकड़ लेता है, लेकिन जो उच्च जो साधु संघ भावना उसको नहीं पकड़ता है। इसलिए कहते भाई साधु सावधान, किसको सावधान कर रहे हैं, साधुओं को सावधान हैं, साधु सावधान हर समय सावधान सावधान, कहते भक्ति मार गई है कोटि कंट गरुदा, भक्ति का जो मार गई करोड़ों कांटा युक्त खुरस, जैसे ब्लेड को जैसे धार के ऊपर जैसे चलते हैं ऐसे धार है, इसलिए उसमें क्या करनी चाहिए, हमसे नीचे व्यक्ति को संग मत करो, हमसे उच्च व्यक्ति का संग करो। लेकिन मंदिर में कभी कभी क्या होता है, जिसका थोड़ी सी मन खराब हो जाए ना, तो कोई श्रेष्ठ वैष्णव के पास में नहीं जाएगा, जिसको पास में जाने पर सारे शंका को समाधान कर दे, हमको अच्छे तरह से समझाए, उसको पास में नहीं, वो जाएगा उससे जो नीचे व्यक्ति है, ऊंचा व्यक्ति के पास में नहीं जाएगा, और नीचे व्यक्ति के पास में जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी उसका मन ये खराब है ना, इसे जानता है किसी अच्छे वैष्णव के पास में जाएंगे तो फिर वो समझा कर भजने में लगा देंगे, तो नीचे व्यक्ति के पास में जाएगा जा करके, लहर सब ऐसे हो कुछ नहीं होता है, भजन भजन कुछ नहीं है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, बस मस्त रहो, खाओ पियो, अपना घर गृह दुनियादारी करो, इसमें कुछ रखा नहीं, बस फिर उसका क्या होता है, धीरे 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 व्यक्ति नीचे नीचे गिरते जाता है, एक दिन दिखाई पड़ता है खुद तो भक्ति में गया, दूसरों को भी लेकर गया, खुद गया दूसरों को भी लेकर गया, इसलिए कहते साधु सावधान है, साधु सावधान, ऐसे व्यक्ति का संग हमें दूर से रहनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करने के लिए छह गुण आनी चाहिए, कितना गुण आनी चाहिए, क्या क्या बोलो, उत्साह, हाँ सबसे पहले भक्तों का अंदर उत्साह है, उसके बाद निश्चय जरूर भगवान मिलेंगे, धैर्यात धीरज धारण करो है, तत्त संग प्रवर्तना, इसलिए भक्तों का संग करो, संग त्यागात असत संग को त्याग दो है, तो इसलिए सत्ववृत्ति पहले पहले जो साधु लोग जो भजन किए हैं उनका वृत्तियों को देखो, नीचे जैसे एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो फेल हुए बच्चे को देखता है ना, जो पास हुआ बच्चे को देखता है, अगर फेल हुए बच्चे को देखा तो गया, अरे उसने साल भर तक पढ़ा लेकिन पढ़ते पढ़ते तो फेल हो गया, अरे अगर हम भी ऐसे पढ़ेंगे ना हम भी कभी फेल हो जाएंगे, फिर तो स्टूडेंट नहीं बन सकता है, स्टूडेंट को बनता है जो टप में जो आता है ना, जो बच्चा टप में आता है वो उसको देखता है, उसको देखने से क्या होता है, देख करके उत्साह होता है, अरे उसने भी टप लिया, अरे हम भी टप ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे टप करेंगे, तभी तो वो स्टूडेंट बन सकता है। अगर नीचे जो गिरा हुआ जो फेल हो गया अगर उसको देखेगा साल भर देख साल भर पढ़ पढ़ कर फेल हो गया, अरे हम क्या पास हो पाएंगे, हो गया पढ़ाई तुम्हारी ही पढ़ाई हो गया, इसलिए हर समय कैसे संग करो, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करो, निकृष्ट व्यक्ति का संग उनसे दूर रहनी चाहिए, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे मन को भी तोड़ देगा और जो तुम्हारी जो उत्साह है उत्साह को भी वो खत्म कर देगा। इसलिए कहते साधु सावधान, भजन करना चाहते हो सत्ववृत्ति, मतलब पहले जो हमारे गुरु जी के आए, गुरु जी के गुरु जी आए, गुरु जी के गुरु जी आए, गुरु जी के गुरु जी आए, उनको आदर्श को देखो, उन लोगों ने कैसे भजन किया और उन लोगों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, वो चीज़ को देखो, नीचे जो गिरे हुए व्यक्ति को तरफ में नहीं देखो, फिर तो भजन भजन तुम्हारी हो नहीं पाएगी हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। हैं, इसलिए भक्ति कैसे होगा? भक्तों का संग से ही भक्ति होगी। कैसे भक्तों का संग होगा? सुकृत ही पूर्व संचित ही, पूर्व पूर्व जन्म का जो संस्कार जो है उसी से ही हमें भक्तों का संग मिलता है। हैं, सभी की कृपा से नहीं, सब ऐसे नहीं मिल जाता है, ऐसे भक्त में नहीं आ गए। पूर्व जन्म में हमने बहुत कहीं हमने भक्ति उन्मुख सुकृति का हमने इकट्ठे किए तभी आए। देखो इनके साथ में बहुत सारे बच्चे थे, कलेज में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर ही आया है। भावना क्या, हम भी प्रचार करेंगे, हम भी भजन करेंगे, लेकिन बच्चे तो बहुत थे, वो क्यों नहीं आए? मैं जब मंदिर में आता था ना, मेरे साथ में भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ में कुछ बच्चे थे, मेरे जो दोस्त थे, मैं भी ले आता था। वो लोग कहते थे, भले मेरे को बोलते थे, बोले देखो जब तुम्हारे मंदिर में जाते हैं ना, हमारे दिमाग में चक्रा पाती। बच्चों ने बोले जब हम मंदिर में जाते हैं, पता नहीं हमारे दिमाग मंदिर में आते ही दिमाग में चक्कर से आ जाता है, घूमने लग जाती है। कारण क्या है? सुकृति नहीं, सुकृति नहीं, सुकृति नहीं रहेगा तो तुमको भक्तों का संग अच्छी नहीं लगेगा, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगा, भजन का चीज़ अच्छी नहीं लगे। क्यों? सुकृति भी नहीं, इसलिए पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति से आए, इसलिए हम तो ले आए भगवान, अभी हमें संभाल करके हमें आगे चलना पड़ेगा। अभी किसको संभालना है? हमें कभी कभी हमें अपना जीवन को खुद को संभाल करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे धीरे 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 आगे आगे धीरे धीरे आगे हमें बढ़नी चाहिए। अभी अपना जीवन को खुद को अच्छे तरह से देखनी चाहिए, हैं, तब तो आगे हम भक्ति जगत में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं हमारी पुंज पुंज भक्ति पोषक सुकृति थी, इसी में हमने आपका सत्संग पाया है। कहते मैं हमने सत्संग मिला कैसे? जरूर हमारी पुंज पुंज हैं, हमने जरूर पहले हमने ये पुंज पुंज भक्ति पोषक सुकृति जो भक्ति को पोषण करता है। इसलिए देखो तीन चीजें अच्छे तरह समझो, एक है पाप है, एक है पुण्य है, और एक है सुकृति। तीन चीजें, कितना चीजें? पाप, पुण्य, सुकृति। देखो ये चीज, ये तीनों का भेद को समझो। कहते हैं पाप किसको कहते हैं? मतलब वेद में जो निर्देश दी गई है, वेद में जो निर्देश दी गई उसका विरोध आचरण करना उसको पाप कहता है। जैसे भागवत में बताया चार स्थान में पाप का निवास है, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, किसी तरह का नशीली वस्तु, पान, बीड़, सिगरेट, गंजा, अफीम, भांग, चाय नहीं लेनी चाहिए, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, अपना पत्नी को छोड़ करके हैं दूसरे स्त्रियों से जो अवैध संबंध है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्रियों को, ये सब असत संग से हमें दूर रहनी चाहिए। और जो चौथा चीज़, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन आदि नहीं ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए वेद विरुद्ध जो धर्म है इसको कहते पाप है, हैं, अगर ये पाप कर्म करेंगे तो क्या, बोले नरक जाओगे, बोले नरक जाकर क्या होगा, बोले वहाँ पर दंड पाओगे, दंड पाने के बाद क्या होगा, फिर यहीं पर आओगे, फिर दोबारा संसार। पुण्य, पुण्य कहते किसको? कहते हैं जैसे दुखी दरिद्र की सेवा करना, स्कूल कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, हैं, दूसरों को मदद करना, इसको कहते हैं पुण्य। बोले इसका फल क्या है? बोले स्वर्ग जाओगे, इसका फल से स्वर्ग जाओगे, लेकिन कब तक स्वर्ग में रहोगे? बोले ताबत स्वमद्वत स्वर्ग जावत पुण्यम न असंवत, तब तक स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं हो जाती। बोले खिन्न पुण्य मतलब गुजर, फिर पुण्य खत्म होगा, यहीं पर खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, बैंक में पैसा रखता खत्म हो गया, फिर यहीं पर। लेकिन ये जो दो चीज़ है ये शरीर संबंधी वस्तु है, ये शरीर जैसे नश्वर है, ये दोनों वस्तु भी नश्वर हो जाता है। ये शरीर को एक कष्ट देता है, शरीर को एक सुख देता है, और दोनों खत्म हो जाती है। लेकिन जो तीसरी चीज जिसको कहते हैं सुकृति, ये सुकृति कहते हैं किसको? अगर भगवान और भक्त ये दोनों संबंधी कोई काम करोगे तो उसको सुकृति कहते हैं। जैसे आरती में आ रहे हैं, तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कहीं प्रसाद मिल गया, कहीं धाम परिक्रमा कर लिया, कहीं हैं कहीं मंदिर परिक्रमा कर लिया, हैं, ये किसका संबंधी है? कहते ये आत्मा संबंधी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के अंश है। कहते भक्त
और भगवत संबंधी और भक्त संबंधी, कहीं तुमने भक्तों की, कहीं भक्तों के लिए नाम से कोई दान पुण्य कर दिया, उनको भगवान की प्रसाद खिला दिया, भक्तों की सेवा कर दी, इसको द्वारा क्या होगा, सुकृति बनेगी। जैसे मृग महाराज ने अनजान में, उन्होंने दान तो बहुत उन्होंने किया था, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, लेकिन बारिश का बूंद कोई गिन सकता है, लेकिन उनका दान को कोई नहीं गिन सकता। इतने गैया उन्होंने दान दिया, जिसको सींग को सोने में मढ़वा करके और पीठ के ऊपर में मखबल बल कपड़े को उड़ा करके उन्होंने दान दिया, लेकिन किस फल किया हुआ है, किसी ब्राह्मण को दान दिया गैया संकल्प करके, वो भूल से आकर के इनकी गैया में मिल गया, इन्होंने अनजान में दान दे दिया, दोनों बिगड़ गए, अभिशाप देते तो गिरगिट बन गए, क्या बन गया, हजार साल तक गिरगिट बनकर पड़ा रहा। कहते जगत का जो दान है ना, ये बंधने का कारण है। जैसे पुण्यकर्म करोगे, पुण्यकर्म तुमको तो लेना ना, फिर संसार में फिर आओगे, यहीं पर धन दौलत पुत्र परिवार फिर यहीं पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो है लेकिन दुख तो मिलेगा, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो किसी को छोड़ा गया नहीं, बल्कि जिसको पास में ज़्यादा पैसा उसको ज़्यादा ही टेंशन है। साधारण व्यक्ति तो कमा कर खा देता है, आसानी से सो जाते हैं, उनको जाकर पूछे तुमको नींद आती है रात को, देखो ना देखो नींद नहीं आती होगी, टेंशन से नींद नहीं आती होगी हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो पुण्य भी बंधन और पाप भी बंधन, लेकिन जो तीसरी जो चीज़ है सुकृति जिसको कहते हैं, जैसे उन्होंने कृष्ण दर्शन मिला, कृष्ण का चरण स्पर्श मिला, बोले कैसे, वो तो पुण्य किया था, वो तो भक्ति किया ही नहीं, तो उनको फिर कृष्ण का चरण स्पर्श कैसे मिला, गिरगिट से उधार कैसे हुई, क्योंकि घर में कभी एक वैष्णव भी घर में आए थे, एक दिन उन्होंने वैष्णव का उद्देश्य में उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने प्रसाद, उन्होंने वैष्णव को भगवान की भोजन करवाया और एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ दान दिया। एक जो भागवत ग्रंथ दान और एक दिन वैष्णव का भोजन उन्होंने कराया, इसका फल क्या हुआ, साक्षात कृष्ण दर्शन हुआ और कृष्ण दर्शन से उसको भक्ति मिली और उसको जन्म मृत्यु से उद्धार हुआ। इसलिए कहते भगवत भगवत और उनका भक्त संबंधी ये जो काम है ये सबके सब सुकृति, भक्ति को बढ़ाने वाले सुकृति, इसलिए इसी सुकृति से क्या होता है, भक्तों का संग मिलता है, ये सुकृति से भक्त संग मिलता है, फिर भक्त संग मिलने पर भक्ति में धीरे 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 भक्ति में हम बढ़ते हैं, भगवत भक्ति में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते पुंज पुंज भक्ति पशोक सुकृति थी, इससे हमने आपका सत्संग को प्राप्त हुआ, अब हम आपके सत्संग के हरिभक्ति लाभ करने की आशा करते हैं। हम ये सोच रहे हैं हम जो हैं भक्तों का संग हुई सत्संग से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हरि भक्ति की करने की आशा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं हरि भक्ति हमें मिले हैं। वैष्णव की परस्पर दीनता और प्रणति समाप्त होने पर उस भक्त गोष्ठी में वैष्णव दास एक तरह का बैठ करके गोष्ठी की शोभा बढ़ाने लगे, उनके हाथ में हरिनाम की माला शोभा पा रहे थे। कहते अभी कहते श्री जो वैष्णव दास है अभी तक उनका एक वेश था, जैसे कर्मी वेश है, कर्मी लोग जैसे कर्मी वेश पहनते हैं, लेकिन आज उनका जो वेश कैसे है, भक्त वेश है, सुंदर तिलक लगाया, गले में सुंदर त्रिकंठी माला पहने, हाथ में भगवान की माला लेकर जप कर रहे हैं, जैसे उनका जो शोभा है ना एक अलग तरह का उनका शोभा, एक अलग तरह का शोभा दे रहा था इनकी हैं, इनकी अलग शोभा दे रहे थे। कहते उसी गोष्ठी में उस दिन एक भाग्यवान पुरुष बैठे थे, जब वैष्णव लोग बैठे हुए थे उसमें एक बड़े भाग्यवान व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे। कहते भाग्यवान कौन है, कहते वो ये बचपन से ही अरबी और फारसी भाषा पढ़कर बहुत कुछ मुसलमान राजाओं का व्यवहार का अनुकरण करने के कारण देश में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समझ जाते थे। इसलिए कहते अरबी फारसी भाषा को जानते थे और क्या करते थे, मुसलमान राजाओं को व्यवहार को क्या करते थे, इन्हें अनुकरण करते थे हैं, करने का कारण देश में उनको एक गण्यमान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको मानते थे, भैया बड़े बड़े राजा की बात उनका अनुसरण करने वाले भाषा के ऊपर बड़े विद्वान है, भाषा को सब जानते हैं, लेकिन तथाकथित समय में
उनको एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको मानी जाती थी। निवास शांतिपुरी में था। शांतिपुर गए कि नहीं? कौन कौन गए शांतिपुर? शांतिपुर गए हाँ, इसलिए शांतिपुर कहते निवास था शांतिपुर। जाति ब्राह्मण जाति में, और उसमें भी बड़ा कुलीन ब्राह्मण के अंदर में भी हाँ छोटे बड़े होता है। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। बड़ी जमींदार थी, इतना नहीं जमींदार थी, प्रपट भी बहुत जमींदार थी। इसलिए लोक में हाँ दलबंदी कराने के काम से बड़ा निपुण थे। क्या करते थे? क्या करते थे? काम क्या था लोक में? दलबंदी। दलबंदी मतलब क्या है? हाँ गुटबाजी है ये सब काम में। हाँ इसलिए ये गुटबाजी काम में, क्योंकि जमींदारी जो बनते हैं ना ज़्यादा कर यही होता है, कैसे दूसरे संपत्ति को हाँ कैसे दूसरे संपत्ति को हड़प ले, कैसे झूठ बेईमानी करे हैं, उल्टा पुल्टा काम करके हैं उसका संपत्ति को कैसे हड़प ले, मामला मकदमा चलाए, बस यही सब काम हैं। वैसे जो पैसा है ना, जो सत उपाय में जो पैसा कमाते वो ज़्यादा बड़े धनी नहीं हो सकते। आप अगर सही मार्गों पर चलोगे आप ज़्यादा पैसे वाला नहीं बन सकते। ज़्यादा पैसा वाले बनने के लिए तुमको उल्टा पुल्टा कुछ करना पड़ेगा, तभी जा करके ये सब ज़्यादा पैसे वाला तभी बन सकते हो। नहीं तो ज़्यादा पैसा वाला अगर सत मार्ग पर चलोगे बस अपना जीविका निर्वाह कर सकते हो, करके अपना जीवन को भक्ति मार्ग में चला सकते हो। इसलिए बड़े निपुण थे हैं दलबंदी कराने में। बहुत दिन तक उन पदों को भोग कर भी उनमें कुछ सुख नहीं मिला। ये सब काम तो किया है, दलबाजी किए, गुट की है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। पैसा थोड़ी शांति देती है, दलबाजी थोड़ी शांति, गुटबाजी थोड़ी शांति देती है, ये तो शांति देती ही नहीं। इसलिए उनको मन में शांति सुख नहीं मिला इनको मन में। अंत में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। जब उसका जीवन में शांति नहीं मिली, देखा भैया शांति तो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांति हो तो भगवान की हरिनाम से, भगवान की भक्ति में ही शांति है। हरिनाम करना उन्होंने शुरू कर दिया, और उन्होंने बाल्यकाल में ही दिल्ली के बड़े बड़े उस्तादों से इन्होंने राग रागिणियों की शिक्षा भी पाई है। हैं बड़े बड़े जो उस्ताद थे उनको साथ में बड़े राग रागिणी भी उन्होंने सिखाए हैं, और उसी शिक्षा के बल से हरिनाम संकीर्तन में भी मुखिया बन बैठे। साधारण जगत में तो बड़े थे, लेकिन बड़े बड़े कलाकारों का उस्ताद का संग करते हुए भी इन्होंने क्या किया, उन्होंने कलाकार में भी वैष्णव जगत में भी बड़े सुंदर रंग ढंग से गाते थे, इसीलिए जगत में भी भक्ति जगत में ये आ करके भी उन्होंने भी बड़ा नाम उन्हें कमाया, नाम भी थे। यद्यपि वैष्णव लोग उनके उस्ताती हैं सुर को पसंद नहीं करते थे, तथापि संकीर्तन में वो थोड़ी थोड़ी गलबाजी दिखा करके अपना महात्मा को प्रकट करते करते प्रशंसा की अभिलाष से और के मुँह के ताकने लगते थे। समझ गए? जो वैष्णव लोग होते हैं, देखो यहाँ पर हर चीज़ को अच्छी अच्छी बात बताते हैं। जो वैष्णव लोग होते हैं ना, जो गलाबाजी करके थोड़ी गला की हाँ उस्तादी दिखा करके हैं इसको जो कहते, वैष्णव लोग इतना पसंद नहीं था, क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, जैसे बंगाल में बड़े बड़े कीर्तनिया होता थे, हरे कृष्णा हरे, वाह लंबा कर दिया इतना, और बड़े शोर ढंग से गाएंगे। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, वो जितने समय से हरे इतना बोला ना, उसमें तो पूरा हरिनाम हमारे हो गया था। उसमें भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो 16 नाम हो गया था। और उसने क्या कर दिया, हरे कृष्णा हरे, कहते भैया उसमें तो हमारे ज़्यादा हरिनाम होता, हम तो कोशिश करते ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम हो। लेकिन इसलिए वो बीच बीच में ना
अपना गलाबाजी दिखा करके क्या गलाबाजी दिखाते थे, गलाबाजी दिखा कर क्या चाहते थे, जब वो देखते थे कोई मेरे तरफ में देख रहा है कि नहीं, कोई मेरे को बहावा दे रहा है कि नहीं, कोई इसमें ताली बजा रहा है कि नहीं, हैं। इसलिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते कथा में भी और कीर्तन में भी जाते हमारे ताली बजे, खूब ताली बजे, नहीं भैया उस तरफ में ध्यान नहीं देनी चाहिए। उस तरफ में ध्यान देगा तो भक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मन रहेगी ताली कैसे हमारी, इसमें ताली कैसे लोगों को बजाए, फिर तुम्हारी तो भावना दूसरे तरफ में जाएगी, वो भक्ति का तरफ में नहीं जाएगी, प्रतिष्ठा की तरफ में जाएगी, वो भक्ति की हानि है, वो भक्ति की वो हानि है भक्ति के लिए, वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। फिर नज़र हमारी उस तरफ में जाएगी, भक्ति की तरफ में नहीं जाएगी। इसलिए इनके अंदर में भी यही भावना रहती थी, हैं, थोड़ा गलाबाजी करके देखते थे मेरे तरफ में कोई देख रहे, तो तुम्हारी भावना कहाँ गई, भगवान प्रति गई ना प्रतिष्ठा की तरफ में गई, कहाँ गई तुम्हारी प्रतिष्ठा का तरफ में गई, तुम्हारी भक्ति की तरफ में नहीं गई, ये भी भक्ति की हानि है। इसलिए हमारे को एक वैष्णव थे, जब कथा करते अच्छी कथा करते लोग ताली बजाते, बोले ताली मत बजा, मना कर देते थे, बोले क्यों, बोले जो मैं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसका जो सारांश है उसका जो भाव में लख दो, ऐसे नहीं ताली बजा कर तुम्हारी अपने ख़त्म कर दिया, मैं जो बोलता हूँ उसका अंदर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करो, वो शास्त्र बोलता है क्या, उसकी उसका भावना में नज़र दो, ताली में नज़र मत दिया करो, मना कर देते थे, ताली मत बजाना, सुनो ठीक से हरी कथा, सुनो ठीक से, हैं। इसलिए कहते लेकिन वैष्णव लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं था, हैं, लेकिन ये बीच बीच में इनके अंदर में ऐसी भावना थी। इसलिए धीरे धीरे इनका जीवन भी धीरे धीरे वैष्णव के साथ में धीरे 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 जीवन कैसे बदला, और बाद में कैसे प्रश्न उन्होंने किया और क्या प्रश्न किया, ये क्या उत्तर मिला, और धीरे 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 उनका हृदय भी परिवर्तन हो गया और संपूर्ण भगवत भक्ति रस में डूब गए। क्यों? चूँकि भक्तों का उन्होंने संघों को प्राप्त किया है। इसलिए कैसे प्राप्त किया हम उसको कल सुनेंगे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे भक्ति उनको प्राप्त हुई। वांछाकल कृपा पिता नाम पावन भो वैष्णव।